नमस्ते बच्चों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में तो अब से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास एट्थ का ज्योग्राफी ठीक है बच्चों तो आज के इस वीडियो में हम लोग कौन सा लेसन देखने वाले हैं तो आज हम लोग स्टडी करेंगे लेसन नंबर वन जिसका नाम क्या है बच्चों लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम ठीक है मतलब ये जो हमारा लेसन है इसमें हमारा मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा तो लोकल टाइम के ऊपर और स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर ठीक है बच्चों तो चलिए फिर हम इस लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं सब लोग तैयार हैं क्या और सुनो ज्योग्राफी स्टार्ट करने के पहले आप लोग को बता दूं कि ये जो आपका जोग्राफी होता है ना बहुत ही आसान होता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है अगर आप लोग इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे क्योंकि आपके अंदर भी होना चाहिए ना अंदर से कि हाँ हमको पढ़ना है पढ़ना है ठीक है ऐसा नहीं एकदम सुस्त के जैसा बैठे रहोगे हम इधर पढ़ाते जाए और आप ऐसे बैठे रहो ऐसे नहीं करना है आपको हर चीज़ को अच्छे से समझना है तभी आपको अच्छा लगेगा जोग्राफी पढ़ने में ठीक है बच्चों तो चलो फिर देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं देखो लेट्स रिकॉल में तो सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चन दिए गए ना इनके आंसर को ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे ठीक है बच्चों तो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वाई डज द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट कीप चेंजिंग यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा गया है कि क्यों डे और नाइट यानी कि दिन और रात का जो ड्यूरेशन है वो क्यों चेंज होता रहता है पता है आप लोगों को जैसे आपने देखा होगा कि गर्मी के सीजन में क्या होता है जब ये समर सीजन होता है या फिर ठंडी का सीजन जब भी होता है आपने देखा होगा कभी कभी तो पाँच या फिर छह बजे ही क्या हो जाता है अंधेरा हो जाता है ठीक है शाम होने लगती है पाँच बजे से ही साढ़े पाँच बजे से ही ठीक है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि शाम के ना सात बज जाते हैं फिर भी अभी, अभी उजाला ही रहता है यानी सात बजे के बाद अंधेरा होता है तो ऐसा क्यों पहले तो पाँच बजे ही अंधेरा हो गया अभी सात बजे के बाद अंधेरा क्यों हो रहा है है ना इसका कारण क्या है इसका जो ड्यूरेशन है दिन का या फिर रात का कभी कभी जो रात है ना वो लंबी होती है और कभी रात छोटी होती है तो ऐसा क्यों होता है है ना इसका रीजन क्या है तो देखिए बच्चों मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ अब क्योंकि आप एक बात तो जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो अपने एक्सिस पे घूमता रहता है आपको पता है है ना ये सपोज करो ये हमारा अर्थ है वो अपने एक्सिस पे यानी अपने जगह पे वो क्या करता है इस प्रकार से घूमता रहता है ठीक है अब जो अर्थ है ना वो थोड़ा सा क्या है झुका हुआ है ठीक है सुनो सुनो जो हमारा अर्थ है ना वो अपने एक्सिस पे भी घूमता है और वो जो हमारे ये है ना कौन सूरज जी सूरज जी मतलब जो सन है ना उसका वो चक्कर भी लगाता रहता है यानी वो अपने एक्सेस पे भी घूमता है और सूरज का भी चक्कर लगाता है कौन हमारी पृथ्वी यानी हमारा अर्थ ठीक है अब जो हमारा अर्थ है ना वो ऐसे नहीं ऐसे नहीं घूमता ऐसे ऐसे मतलब वो एकदम सीधा ऐसे है और ऐसे ऐसे नहीं घूमता बल्कि वो थोड़ा सा टिल्टेड है टिल्टेड मतलब क्या थोड़ा सा झुका हुआ है कितना झुका हुआ है आपको बताऊँ देखो इधर मैं लिख रही हूँ ट्वेंटी डिग्री ठीक है ये क्या है टिल्टेड है मतलब ये समझो इसका एक्सिस है आपको पता है ना एंगल के बारे में आपने मैथमेटिक्स में सीखा होगा मैंने ये सिखाया है है ना तो 23.5 डिग्री क्या है वो झुका हुआ है इस प्रकार से ठीक है समझेगी नहीं जैसे मैं आपको इधर ड्रॉ करके बताती हूँ तभी आपको समझेगा ये सपोज करो ये है हमारा सन ठीक है और सन का जो आ, मतलब यहाँ पे हमारा अर्थ है ठीक है ये ये सपोज करो हमारा अर्थ है तो जो हमारा अर्थ है ना वो थोड़ा सा क्या हुआ है बच्चों झुका हुआ है जैसे मैं आपको बताती हूँ रुकिए एक सेकेंड हाँ आपको इधर थोड़ा बताती हूँ जो हमारा अर्थ है ना वो इस तरीके से है यस ये थोड़ा सा झुका हुआ है और इस प्रकार से ये क्या होता है घूमता रहता है समझेगी नहीं समझे बच्चे लोग कैसे ये थोड़ा सा इस प्रकार से झुका हुआ है और फिर वो इस तरीके से घूमता रहता है इसके कारण ही क्या होता है जो डे और नाइट का ड्यूरेशन है ना वो चेंज होता रहता है समझे कि नहीं जैसे कि ये घूमता रहेगा वो घूमता रहेगा आप ही सोचिए ना जैसे सूर्य का प्रकाश जिस एरिए में पड़ेगा वहाँ पे दिन होगा और जहाँ पे मतलब जो उसके पीछे साइड रहेगा वहाँ पे रात होगा ठीक है अब क्योंकि ये टिल्टेड है ना इसकी वजह से बस आप इतना ध्यान में रखो ये टिल्टेड है इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे दिन और रात का जो ड्यूरेशन है उसमें चेंजेस होते रहते हैं ठीक है तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अभी इसके बारे में आप और भी अच्छे से जानोगे अभी आगे हमको पढ़ना है अभी तो हम थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश कर रहे थे ठीक है चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन देखिएगा हाउ मेनी लोंगिट्यूड इसको लोंगिट्यूडस भी कहा जाता है लोंगिट्यूड भी कहा जाता है तो आपको जो कहना है आप वो, वो कहिए ठीक है तो क्या दिया है कि हाउ मेनी लॉन्ग लॉन्गिट्यूड कैन बी ड्रॉन ऑन अ वर्ल्ड मैप कीपिंग एन इंटरवल ऑफ वन डिग्री इच अब देखो बच्चों क्या आपको लॉन्गीट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पता है कई सारे बच्चों को पता होगा क्योंकि ऑलरेडी आप सेवेंथ स्टैंडर्ड से आ, सीख करके आ रहे हो है ना मैं आपको फिर से बता देती हूँ देखो ये है जी हमारी पृथ्वी ठीक है तो हमारी पृथ्वी पे ये जो सीधे सीधे लाइंस होती है ना इनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों ये जो ऐसे खड़ी खड़ी लाइन होती है ना इसको हम लोग क्या कहते हैं लोंगीट्यूड ठीक है याद रख लो रुको एक सेकेंड न बताती हूँ कहा गई पृथ्वी तो गायब हो गई ये है जी हमारी पृथ्वी और ये जो ये खड़े खड़े वाले लाइंस होते हैं ना ये इनको क्या कहा जाता है बच्चों लोंगीट्यूड कहा जाता है क्या कहा जाता है लोंगीट्यूड और फिर लैटीट्यूड किसको कहा जाता है ये बता दो तो ये जो ऐसे इस प्रकार से जो लाइंस होती है ना टेढ़ी वाली मतलब वो हॉरिजोनटली होती है ठीक है तो इनको क्या कहा जाता है बच्चों लैटिट्यूड कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है लैटिट्यूड आपने पहले से सीखा हुआ भी है ठीक है मुझे नहीं लगता कि इतना सारा डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हम लोग ना जो वर्ल्ड मैप है यानी जो हमारा ग्लोब है उस पर हम लोग कितने वन डिग्री के डिफरेंस पे ठीक है अगर हमने वन डिग्री का इंटरवल लिया तो हम लोग कितने लॉन्गिट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं तो इसका आंसर क्या होगा पता है आपको थ्री हंड्रेड एंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी ना यस हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड कैन बी ड्रॉन ऑन अ वर्ल्ड मैप कीपिंग एन इंटरवल ऑफ वन डिग्री यस अगर हम वन डिग्री का इंटरवल लेंगे तो फिर हम लोग यहाँ पे थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री मतलब थ्री हंड्रेड सिक्सटी लॉन्गिट्यूड हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है थीके? ये आपका पूरा अर्थ है इसके ऊपर वो जो लाइंस होती हैं अगर आपने वहाँ पे 1 1 डिग्री का इंटरवल लिया तो टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स आप बना सकते हो स्टूडेंट एक बार फिर से बताइएगा मुझे आंसर दीजिएगा कितना 360 ठीक है सपोज करो यहाँ से शुरू हुआ जीरो से शुरू हुआ फिर एक ठीक है ये पूरा एक समझे फिर ये पूरा एक तो कितना हुआ टोटल तीन समझे ना तो बस आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा है या फिर कभी आ, मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर टीचर ने अगर आपसे ओरल में पूछा तो आप लोग आंसर दे सकते हो दे सकते हो ना पक्का देना ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला यहाँ पे दिया है कि द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज अ रिजल्ट ऑफ वॉट यानी कि ये जो यहाँ पे दिया गया है द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज अ रिजल्ट ऑफ वॉट जैसे कि हमने देखा है जो आ, सन होता है ठीक है देखो हमें क्या लगता है कि सन जो है ना वो यहाँ से जैसे सूरज जी पूरब से हो गए पश्चिम में जाकर के डूब गए तो हमें क्या लगता है हमें ऐसा लगता है कि सूरज यहाँ से यहाँ गए है ना हमें ऐसा ही लगता है आपने भी देखा होगा ठीक है हमें क्या लगता है कि सूरज जो है वो अपने जगह से उठा मतलब एक जगह से उन्होंने आ, उगे और दूसरी जगह में जाकर के डूब गई यानी हमें ना हमें सूर्य का मूवमेंट दिखाई पड़ता है लेकिन एक्चुअल में क्या होता है पता है आपको हमारी जो पृथ्वी है ना वो घूमने के कारण हमको सूरज घूमता हुआ मतलब सूरज यहाँ से वहाँ जाता हुआ दिखाई देता है तो किसके कारण वो दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी अपने चारों ओर घूमती है अपने एक्सेस पे घूमती है इसके कारण हमें जो सूर्य है वो ईस्ट से वेस्ट में जैसे ईस्ट से उगना और वेस्ट में डूबना हमको दिखाई देता है है ना तो यहाँ पे वही दिया है कि जो सन है वो हमेशा चलते रहता है उसका जो मूवमेंट है वो हमें किसके कारण दिखाई देता है तो इसी के कारण दिखाई देता है किसके कारण क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो घूमता रहता है लगातार इसके वजह से हमें ऐसा लगता है कि सूरज ईस्ट में उगे और वेस्ट में चले गए लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना सूरज कहीं पे भी नहीं जाते बच्चों वो अपने जगह पे ही रहते हैं घूमती कौन है हमारी पृथ्वी और हमें लगता है कि वो घूम रहे है नहीं नहीं हम थोड़ा गलत फैमी में हैं तो इस गलत फैमिली को निकालिए क्योंकि हमें वैसा लगता है अब जैसा दिखता है वैसा भरोसा करते हैं लेकिन एक्चुअल में हमारा अर्थ घूम रहा है इसकी वजह से हमको वो घूमता हुआ दिखाई देता है समझे यस अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि वॉट इज द डिफरेंस डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ अब जो अर्थ है मैंने आपको बताया वो अपने एक्सिस पे रोटेट होते रहता है घूमते रहता है ठीक है अब इसका डायरेक्शन क्या है तो इसका डायरेक्शन है बच्चों वेस्ट टू ईस्ट जैसे आपने देखा होगा जो मैप होता है ठीक है उसमें आ, मैप आपने देखा होगा इंडिया का मैप या फिर कोई भी मैप तो वहाँ पर दिशाएं लिखी रहती है ठीक है ऊपर नीचे और फिर इधर इधर ठीक है तो इधर क्या रहता है बच्चों आप कभी मैप उठा करके देखना इधर रहता है वेस्ट इधर रहता है ईस्ट ठीक है तो हमारा जो अर्थ है ना वो इस तरीके से घूमता है मेरे मेरे हाथ पे ध्यान देना वो इस तरीके से घूमता है इसका मतलब क्या हुआ वेस्ट टू ईस्ट हमारा जो अर्थ है वो कैसे रोटेट करता है बच्चों वेस्ट से ईस्ट में जाता है इस प्रकार से घूमता है ठीक है कैसे ऐसे जैसे मेरे पास कुछ है नहीं ना हाँ ये आपको दिखेगा हाँ इस प्रकार से देखो ऐसे घूमता है कौन हमारी पृथ्वी ठीक है यस तो इसका आंसर भी बता दिया मैंने वेस्ट टू ईस्ट ठीक है इस बात को भी याद रखना चलिए आगे चलते हैं अगला यहाँ पे सवाल है कि वाइल द अर्थ रोटेट्स हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड फेस फेस द सन डेली अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि uh, जब हमारा जो अर्थ अर्थ है वो रोटेट होता है तो कितने लॉन्गिट्यूड है जो सन को फेस करते हैं तो देखो हमारा जब अर्थ पूरा घूम जाएगा यानी कि 360 हंड्रेड लॉन्गिट्यूड हो जाएंगे क्योंकि हम लोग कितने लॉन्गिट्यूड अर्थ के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों 360 ठीक है जब पूरा वो हमारी पृथ्वी घूम जाती है ना तब जाके एक दिन कंप्लीट होता है ठीक है तो जब अर्थ पूरा घूम जाएगा तो कितने लॉन्गिट्यूड सन को फेस करेंगे पूरे के पूरे करेंगे ना देखो यहां से इन्होंने यहां से हमारे अर्थ ने घूमना चालू किया तो ये पूरा एक चक्कर लगा लिया मतलब जितने भी एल्टीट्यूड रहेंगे एल्टीट्यूड ने लॉन्गेट्यूड ठीक है इस पे के और इस पे के सब के सब सन के सामने आएंगे ना तो 360 आएंगे तो यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखोगे बच्चों तीन यानी कि थ्री ठीक है अगला क्वेश्चन है कि एट विच लॉन्गेट्यूड डेट चेंज अब मुझे बताइएगा ये जो डेट है वो कौन से लॉन्गेट्यूड पे चेंज होता है तो इसका आंसर होता है बच्चों 180 हंड्रेड एंड एटी डिग्री ठीक है क्या होगा इसका आंसर स्टूडेंट यस एवरी वन आंसर चाहिए मुझे सभी का 180 हंड्रेड एटी डिग्री तो इसका भी आंसर आप लोग लिख सकते हो अपनी टेक्स्ट बुक लेकर के बैठोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें मैं मार्क करवा के दूंगी उसको आप लोग उधर पेंसिल से मार्क कर सकते हो ठीक है यस yes. अगला सवाल यहाँ पे है कि हाउ वॉज टाइम मेजर्ड इन ओल्डन डेज देखो बच्चों पुराने समय में अब पुराने समय में क्योंकि घड़ी तो होती नहीं थी इस टाइम पे तो हमारे पास मोबाइल होता है घड़ी होती है हाथ वाली घड़ी होती है किसी में भी हम लोग टाइम देख लेते हैं ठीक है लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था तो जब पहले घड़ी नहीं थी तब कैसे लोग टाइम देखते थे तो क्या पहले लोग टाइम नहीं देखते थे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है पहले भी लोग टाइम देखते थे लेकिन उस टाइम पे वो लोग किस किस चीज का यूज करते थे तो पहले तो ये क, आपने कभी कभार ये टी वगैरह में भी देखा होगा जो सैंड घड़ी होता है ना सैंड वॉच जैसे इस प्रकार से एक रहेगा जैसे मैं आपको इधर बना करके बताती हूँ देखो इस तरीके से रहता है ना इसमें क्या करेंगे रेत भर देंगे और फिर उसको इस प्रकार से रख देंगे फिर इसमें से जो रेत है वो बाहर निकलते वो धीरे 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 अंदर आते रहता है तो उस प्रकार से भी पहले टाइम देखा जाता था या फिर पहले न आ, क्या होता था घटिका पात्र उसको कहा जाता है मतलब आ, पानी क्या करते थे ना सुनो आपको बताती एक बर्तन रहता था उसमें वो लोग पानी भर लेते थे फिर कोई छोटा सा बाउल छोटी सी कोई कटोरी ठीक है वहाँ पे उसके अंदर वो छेद मतलब छेद रहता था और फिर उसको वहाँ पे रखते थे तो इस तरीके से भी ये लोग टाइम देखा करते थे और इसके अलावा शेडो क्लॉक भी होता था यानी वो क्लॉक उसके ऊपर मतलब बना होता था और फिर परछाई की मदद से भी देखते थे कि जो हमारा मतलब जो शेडो है वो जैसे जैसे कभी बड़ा है कभी छोटा है तो शेडो एकदम बड़ा कभी होता है जब भी या तो सुबह होती है या फिर शाम होती है तब ठीक है तो पहले लोग इसी प्रकार से टाइम वगैरह देखा करते थे समझे यस yes. चलो आगे चलते हैं अगला यहाँ पे है कि इन प्रेजेंट टाइम्स व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर टाइम मेजरमेंट अब इस टाइम पे मतलब आज के टाइम पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं टाइम को मेजर करने के लिए तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है आज तो मोबाइल है बहुत सारी चीजें हैं है ना बच्चों घड़ी है ठीक है तो इस तरीके से हम लोग टाइम को मेजर कर सकते हैं तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे जिनके आंसर हमने खोजने की कोशिश की और कई सारे सवाल तो बहुत ही आसान थे और कई सारे कई सारे थोड़े से टिपिकल थे पर मैंने आपको सभी का आंसर बताया है तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखना क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए या फिर या फिर कहीं पूछा जा सकता है ठीक है चलिए बच्चों अभी हम लोग जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं तो इसमें क्या दिया है इसको आप लोग सब लोग तैयार हो जाइए अच्छे से समझने के लिए तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी इसको रीड करूंगी फिर उसके बाद से एक्सप्लेन करूंगी ठीक है वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रश आवर टीथ एंड टेक अ बाथ देन वी हैव ब्रेकफास्ट एंड गो टू स्कूल वी स्टडी इन आवर क्लास रूम वी रिटर्न होम वी गो टू द्ले ग्राउंड टू प्ले इन द इवनिंग वी हैव डिनर ब्रश आवर टीथ एंड गो टू स्लीप वी कीप डूइंग सिमिलर एक्टिविटीज थ्रू आउट द डे कंसिडरिंग आवर डेली रूटीन वी नीड टू डिसाइड द टाइम फॉर ऑल आवर एक्टिविटीज देखो बच्चों यहाँ पे क्या बताया जा रहा है जैसे कि हम सुबह क्या होते हैं उठते हैं आपको तो पता ही है सुबह उठते हो ब्रश करते हो है ना नहाते हो उसके बाद से फिर आप ब्रेकफास्ट करते हो और फिर स्कूल जाते हो हमारा डेली का रूटीन यही होता है फिर स्कूल से हम लोग घर पे आते हैं उसके बाद से खाना पीना खाते हैं आप लोग घर घर पे आने के बाद भी तो खाना वगैरह खाते हो गए ठीक है फिर उसके बाद हम लोग प्ले ग्राउंड में जाते हैं खेलने के लिए फिर उसके बाद हम डिनर करते हैं और फिर ब्रश करते हैं टित को और फिर हम लोग क्या होते हैं सो जाते हैं ठीक है और यही जो एक्टिविटी है वो रोज़ हम करते हैं जैसे आज हमने ब्रश किया सुबह उठ करके फिर स्कूल गए स्कूल से आए खाना खाया फिर सो गए ठीक है फिर दूसरे दिन भी वही काम करेंगे उठेंगे ब्रश करेंगे फिर नहाएंगे उसके बाद स्कूल जाएंगे स्कूल से आएंगे फिर दोस्तों के साथ दोस्तों के साथ खेलेंगे फिर डिनर फिर से सो जाएंगे फिर उठेंगे इसी प्रकार से हमारा जो रूटीन है डेली का जो रूटीन है वो इसी तरीके से चलता रहता है ठीक है तो ये जो हमारे डेली के काम होते हैं इसके लिए हमें क्या करना होता है कोई एक टाइम डिसाइड करना होता है जैसे कि अगर मैं ब्रश करने की बात करूँ तो ऐसा थोड़े ना है कि हम लोग सबसे पहले उठेंगे उसके बाद से नहा करके तैयार हो जाएंगे स्कूल के लिए और स्कूल से आने के बाद ब्रश करेंगे नहीं ऐसे नहीं होता हमें क्या करना है सुबह उठना है तो ब्रश करना है बराबर सुबह उठने के साथ ही हमको क्या करना है ब्रश करना है, है ना उसी प्रकार से स्कूल जाने का भी टाइम आपका डिसाइडेड है प्री डिसाइडेड है कि किसी का स्कूल सात बजे होता है किसी का आठ बजे होता है तो मुझे सात बजे स्कूल जाना है तो मैं सात बजे ही स्कूल जाऊंगी है ना मैंने एक टाइम डिसाइड कर लिया है कि सात बजे ही हमको स्कूल जाना है फिर बारह बजे हमको घर पर आना है ना तो ये सारी चीज़ों के लिए हमने क्या किया रहता है अपना मतलब जो हमारा डेली का रूटीन होता है ठीक है तो उसके लिए हमने एक टाइम डिसाइड किया है कि हमको कब खेलने जाना है कब होमवर्क करना है कब स्कूल जाना है कब नहाना है कब खाना खाना है कब ब्रेकफास्ट करना है ठीक है ये सारी चीज़ें समझेगी नहीं चलिए अभी आगे चलते हैं तो बस इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई थी अभी आगे पढ़िएगा यहाँ पे आपको डे टाइम और नाइट टाइम के बारे में पढ़ना है मैं आपको बताती हूँ जो जो टिक करने बोलूँगी प्लीज़ आप उसको टिक करना वो आपको आगे बहुत हेल्प करेगा ठीक है तो देखो इसमें क्या दिया है कि इन ओल्डन डेज पीपल यूज टू टेक द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन वेरियस नेचुरल इवेंट्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम देखो बच्चों जैसे यहाँ पे अभी अभी हमने ऊपर देखा कि हमें स्कूल जाना है सात बजे बारह बजे घर पे आना है तो ये सारी चीजों का हमको पता कैसे चलता है हम लोग घड़ी देखते ना आप लोग भी जब सुबह सुबह तैयार होते होंगे घड़ी देखते देखते आ रही खाली दस मिनट बचाए जल्दी 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 तैयार हो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं ना तो वो घड़ी में देख देख करके हम अपना काम कर रहे हैं बराबर लेकिन ओल्डन डेज में क्या होता था पीपल यूज टू टेक द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेरियस नेचुरल इवेंट्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम यानी पहले लोग क्या क्या करते थे पहले लोग ना टाइम देखने के लिए मतलब टाइम को मेजर करने के लिए कि अभी कितना टाइम हुआ ठीक है इसके बाद क्या होगा इसके लिए वो लोग आ, क्या किसके ऊपर डिपेंड रहते थे तो कई सारे टूल्स का यूज करते थे जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया घटिका पात्र और सैंड आ, सैंड क्लॉक ठीक है शेडो क्लॉक या फिर जो आ, नेचुरल इवेंट्स होते हैं ना उसके ऊपर भी वो लोग डिपेंड रहते थे अब आप बोलेंगे नेचुरल इवेंट कैसा जैसे कि सूरज अगर मतलब लाल लाल दिखाई दे रहे हैं यानी सुबह होने सुबह हो रही है और अगर एकदम से हमारे सिर के ऊपर आ गए यानी दोपहर फिर जाके थोड़ा ठंडा हो गया मतलब शाम रात ठीक है तो इस प्रकार से वो लोग डिसाइड किया करते थे ओके ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस दे डिवाइडेड द डे इन टू द फॉलोइंग पार्ट्स फ्रॉम सनराइज टू सनसेट डे टाइम एंड फ्रॉम द सनसेट टू द नेक्स्ट सनराइज नाइट टाइम देखो बच्चों उन्होंने क्या किया था उन्होंने ना आ, अपने अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आ, टाइम है ना उसको उन्होंने डिवाइड कर लिया था डे को तो देखो सनराइज़ टू सनसेट यानी जब ये सूरज जी उगते हैं उसके बाद और उनके डूबने के बाद उनके लिए क्या होता था बच्चों डे टाइम अभी भी तो वही होता है ना जब सूरज जी उग गए ठीक है तो उगने से लेकर के डूबने तक क्या होता है दिन होता है ना तो वही है जी डे टाइम और नाइट टाइम क्या होता था तो जब ही सूरज जी डूब जाते थे देखो क्या दिया है फ्रॉम द सनसेट टू द नेक्स्ट सनराइज यानी सूरज के डूबने के बाद और अगला सनराइज होने के होने तक क्या होता था नाइट टाइम तो अगर आपसे पूछा जाए डे टाइम और नाइट टाइम के बारे में तो आप लोग बता सकते हो स्टूडेंट यस एवरीवन सबको बताना है इधर आप ना टिक कर लो ठीक है वहां पे पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो कि फ्रॉम द सनराइज टू सनसेट क्या होता है डे टाइम और फिर सनसेट टू द नेक्स्ट सनराइज क्या होता है स्टूडेंट नाइट टाइम क्लियर यस आगे देखिएगा क्या दिया है कि अ होल डे मिंट द मिंट द ड्यूरेशन ऑफ वन सनराइज टू द नेक्स्ट मतलब एक पूरा दिन क्या होता है ये तो हमने नाइट टाइम और डे टाइम के बारे में जाना लेकिन पूरा दिन ठीक है होल डे क्या होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ड्यूरेशन फ्रॉम वन सनराइज टू द नेक्स्ट यानी कि एक सनराइज से लेकर के दूसरे सनराइज तक क्या होता है पूरा के पूरा एक दिन ठीक है होल डे कभी होता है जैसे आज सूरज जी हो ठीक है तो अब दूसरी बार जब उगेंगे ना डूबेंगे फिर जाके उगेंगे तब जाके हमारा एक दिन कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो होल डे को कैसे मेजर किया जाता था बच्चों ड्यूरेशन फ्रॉम वन राइज टू द नेक्स्ट यानी नेक्स्ट सनराइज ठीक है चलो आगे देखो अर्लियर नेचुरल इवेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक घटिका पात्र अ बाउल विथ अ मिनट होल एट इट्स बेस एंड विच वुड फ्लॉट इन अ लार्ज वाटर फील्ड देखो बच्चों वही दिया है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि पहले लोग क्या क्या करते थे जो नेचुरल इवेंट्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज क्या करते थे जैसे कि घटिका पात्र मैंने बताया था एक, एक बर्तन ले लेंगे वेसल ठीक है मतलब कोई भी इतना बड़ा सा और फिर उसमें एक छोटी सी बाउल डालेंगे जिसके अंदर एकदम छोटा सा छेद रहता था और उसको वो पानी के ऊपर वो फ्लॉट करते रहता था ठीक है वो तैरते रहता था उसके अंदर से धीरे धीरे पानी जाता रहता था तो उसकी मदद से भी वो लोग क्या किया करते थे टाइम को मेजरमेंट किया करते थे या फिर सैंड टाइमर जैसे मैंने आपको बताया ना बालू वाला यहाँ पर ड्रॉ करके भी बताया था इस तरीके से होता है आप लोगों ने कई बार टी वगैरह में देखा होगा ठीक है उसके अंदर बालू डाल दो तो फिर उसको घुमा दो ओके तो इस तरीके से भी वो लोग मेजरमेंट किया करते थे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज किया करते थे ठीक है हमसे भी ज्यादा वो लोग समझदार थे चलिए तो ये बात आप लोग को समझ समझ में आई कि नहीं यस yes, एवरीवन इसको अंडरलाइन करना डे टाइम नाइट टाइम और डे ठीक है क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए डे टाइम नाइट टाइम और डे बताओ तो आपको बताना रहेगा ओके आगे देखिएगा आगे क्या दिया है कि द अर्थ टेक्स ट्वेंटी फोर आवर्स इज वन डे टू कंप्लीट वन रोटेशन देखो बच्चों इसको भी आप लोग चाहो तो अंडरलाइन करके रख सकते हो जो हमारा अर्थ है ना जैसे हमारा अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता रहता है तो कब वो पूरा एक चक्कर लगाता है तो आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स यानी कि चौबीस घंटे के बाद अर्थ का जो वन रोटेशन है वो बच्चों क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है ठीक है आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स वन डे टू कम्प्लीट वन रोटेशन एक रोटेशन में जब हमारी पृथ्वी पूरी घूम जाएगी ना एक दिन कम्प्लीट और ये कितने घंटे में होता है तो चौबीस घंटे में होता है इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि ये जो दिन है ये पूरा कितने घंटे का होता है मतलब पूरा होल डे ट्वेंटी फोर आवर्स का ठीक है ऐसा क्यों क्योंकि पृथ्वी हमारी ट्वेंटी फोर आवर्स में पूरा एक चक्कर घूम जाती है ठीक है वो अपना एक रोटेशन कम्प्लीट कर लेती है समझेगी नहीं रोज़ हमारी सोचिए ना जो हमारी पृथ्वी है वो कितने सालों से घूम रही है और अभी तक घूमते जा रही है घूमते जा रही है है ना कभी रुकी नहीं है न भगवान की करिश्मा देखिए पता है आप लोग को जब मैं छोटी थी ना तो मेरी टीचर मुझे पढ़ा रही थी आपके ही जैसे कि ये जो अर्थ है वो घूमते रहता है आप तो जैसे बच्चे होते हैं मैं आप लोग से भी छोटी थी बहुत छोटी थी बहुत छोटी नहीं आई थिंक मैं फोर्थ क्लास में थी ठीक है तो जब भी मेरी टीचर इसके बारे में पढ़ा रही थी अर्थ के बारे में जो अर्थ है ना वो ऐसे घूमता रहता है तो मैं अपनी टीचर को बार बार पूछू मेरे दिमाग में वही चल रहा है मैम ये अर्थ कैसे घूमता है इसको किसने बनाया ठीक है ऐसे में बहुत सारे सवाल पूछा करती थी तो मेरी मिस मुझे बताती थी इसका आंसर भी देती थी है ना बच्चों को ऐसे तो कुछ भी बना बता दिया जाता है, है ना तो वो मुझे बताती थी इसके बारे में ठीक है और पढ़ने में बड़ा अच्छा भी लगता था अर्थ वगैरह के बारे में कि अर्थ अपने अक्ष पे अपने एक्सेस पे घूमता रहता है ठीक है तो वही यहाँ पे दिया गया है चलिए जी आगे चलते हैं आगे क्या दिया है कि वी कंसिडर द डायरेक्शन वेयर द सन राइज टू बी द ईस्ट द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट देखो बच्चों, जो हमारा आ, मतलब जो हमारे सूरज जी है, हैं वो किधर से उगते हैं ईस्ट से डूबते किधर है वेस्ट में बराबर तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो रोटेट होता है वेस्ट टू ईस्ट ठीक है वेस्ट से वो ईस्ट में जाता है क्योंकि ऐसे ऐसे जब घूमेगा तब जाके सूरज की किरण इसके ऊपर पड़ेंगी हमारे पृथ्वी के ऊपर तो यहाँ पे क्या होगा धीरे 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 सूर्य जी उगेंगे है ना ईस्ट में देखो उगे और फिर वो वेस्ट जब भी आएगा ना तो वो क्या हो जाते हैं डूब जाते हैं समझ में बात आई आपको तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है इसको भी आप अंडरलाइन कर लो कि जो अर्थ है इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जा हो जाता है हमें लगता है कि ईस्ट वेस्ट में घूमता है अरे नहीं भाई वेस्ट टू ईस्ट बराबर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है तब गाय को गड़बड़ी करते हो चलो देखते हैं एज अ रिजल्ट वी एक्सपीरियंस सनराइज नून सनसेट एंड मिड नाइट अब सूर्य के हाँ, सूर्य नहीं ये पृथ्वी के घूमने की वजह से क्या होता है जब हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट में क्या होता है घूमता है बच्चों तभी जाके हमको सनराइज नून और सनसेट और मिडनाइट का अनुभव होता है यानी तब जाके हमको पता चलता है जैसे कि जब भी हमारा अर्थ घूम रहा है तो जब यहाँ पे सपोज करो कि आप यहाँ पर हो ठीक है अभी इधर सन है आप ऐसे समझो आपके सामने सन है ठीक है आप ऐसे घूम रहे हो तो सन की जब किरण आपके ऊपर पड़ेगी तो धीरे धीरे क्या होगा हमें ऐसा लगेगा यहाँ पे सुबह है ठीक है अब धीरे धीरे जब आप सन के एकदम सामने आ जाओगे तब आपको लगेगा दोपहर है फिर धीरे 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 सन से थोड़ा सा आप दूरी पे जाओगे तो आपको क्या लगेगा क्या लगेगा बच्चों हाँ कि शाम होने वाली है अब सूरज जी डूब गए फिर जब पूरा हम लोग सन के सामने से हट जाएंगे तो फिर हमें क्या पता चलेगा कि अभी रात हो गई है ठीक है तो ये पृथ्वी के घूमने के कारण ही हमको पता चलता है कि अभी सुबह हुई है दोपहर हुई है या फिर रात हुई है या फिर कभी आ, शाम हुई है ठीक है ये सारी चीज़ों के बारे में हमको पता चलता है ड्यूरिंग रोटेशन द longitude इन द वेस्टर्न पार्ट face द सन ग्रेजुअली while दोज इन द ईस्ट एक्सपीरियंस डार्कनेस देखो बच्चों अभी यहाँ पे क्या दिया है कि जब ये रोटेट होता है हमारा अर्थ तो जो longitude होते हैं ना वेस्टर्न पार्ट के ठीक है समझ लीजिए ये आपका आ, मतलब ईस्टर्न पार्ट वेस्ट और ईस्ट ठीक है तो इसमें क्या दिया है कि द longitude ऑफ द वेस्टर्न पार्ट face द सन ग्रेजुअली while दोज इन द East experience, सीधे सीधे आप समझिए ना जैसे कि ये समझ लो अर्थ के दो हिस्से ठीक है सन मेरे सामने किधर रखो सन को चलो सन इधर है ठीक है ये वेस्ट वाला ये ईस्ट वाला पार्ट ठीक है तो अब जो सन है ना सन इसके सामने है, मतलब इधर है ठीक है तो अब देखो ये वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर सन की रेस पड़ेंगी है ना तो ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है इधर साइड के जो लॉन्गिट्यूड रहेंगे वो इसके ऊपर पड़ेंगे फिर धीरे धीरे जब ये घूम जाएगा जब ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा तो जो ये सन की रेज है वो किसके ऊपर पड़ेंगे तो ये वाले पार्ट के ऊपर पड़ेंगे है ना तो जो इस साइड के लॉन्गिट्यूड रहते हैं पहले इनके ऊपर पड़ता है उसके बाद जब ये पूरा घूम जाएगा तो ये वाला जो लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड रहता है उनके ऊपर सन की रेज पड़ती है तो बस यहाँ पे वही पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है ठीक है बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है मैं आपको पढ़ पढ़ के समझा रही हूँ इसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है बाकी ईजी है ओके फिर आगे क्या दिया है कि द लॉन्गिट्यूड विच फेसेस द सन एक्सपीरियंस सनराइज वाइल ऑन द अदर हैंड द वन डे इन द डार्कनेस एक्सपीरियंस वन इन द डार्कनेस एक्सपीरियंस सनसेट देखो बच्चों अब जैसे कि यहाँ पे सनरेज पड़ रही है इस साइड तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों उजाला होगा यानी यह यहाँ पे दिन होगा और इधर सनराइज सन सन नहीं पड़ रही है तो इधर क्या होगा रात होगा ठीक है अब देखो इतना घूमने घूमते घूमते जब ये वाला हिस्सा इस इसके सामने आएगा तो यहाँ पे दिन हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा रात हो जाएगा यानी सन के सामने जो भी लॉन्गिट्यूड रहते हैं तो वो लॉन्गिट्यूड में जो भी एरियाज आते हैं जो भी कंट्रीज आते हैं वहां पे दिन होता है बाकी इस साइड क्या होता है रात होता है रात होता है मतलब जो सन के सामने रहेगा वहां पे दिन होगा और जो सन के पीछे रहेगा उसका वहां पे क्या होता है रात होता है है ना चलिए आगे चलते हैं अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है कि वाइल्ड ट्रैवलिंग इन अ बस विंडो, दे अपेयर टू बी मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एक्चुअली दे आर स्टेशनरी एंड आवर बस इज मूविंग फॉरवर्ड सिमिलरली बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ वी फील दैट द सन इज चेंजिंग इट्स पोजिशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डेली देखो बच्चों आपने भी ये नोटिस किया होगा जब भी हम लोग बस या फिर ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो हम लोग देखते हैं ना जैसे हम ऐसे जा रहे हैं ठीक है आप भी सोचिए हम ऐसे जा रहे हैं हाँ और इधर कोई तो एक पेड़ है तो हमें ऐसा लगता है कि वो जो पेड़ है ना वो हमारी तरफ आ रहे हैं ठीक है हमें ऐसा लगता है वो हमारी तरफ हम लेकिन कौन मूव कर रहा है हम मूव कर रहे हैं लेकिन अगर आप खिड़की से बाहर देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि पेड़ आपकी तरफ आ रहा है और फिर जब आप आगे चले जाओगे तो ऐसा लगेगा कि पेड़ अभी दूर जा रहा है यानी मूव कौन कर रहा है हम मूव कर रहे हैं लेकिन मूव करता हुआ दिखाई कौन दे रहा है कौन दिखाई दे रहा है तो बाहर वाली जो चीजें हैं बाहर वाले जो भी आ, मतलब पेड़ वगैरह हैं वो हमको चलते हुए दिखाई देते हैं वो एक्चुअली स्टेशनरी पोजीशन में होते हैं मतलब वो मूव नहीं करते बल्कि हम करते हैं लेकिन फिर भी किसका मोमेंटम हमको दिखाई देता है तो उन बाहर वाली चीजों का ठीक है तो सेम उसी प्रकार से रोटेट कौन करता है हमारा अर्ध घूमता है लेकिन फिर भी हमको जो सन है वो घूमता हुआ दिखाई पड़ता है हमें लगता है कि जो सन है वो ईस्ट टू वेस्ट मतलब ईस्ट से उगे वेस्ट में जा करके डूब गए ऐसा हमको लगता है लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में क्या होता है हमारा जो पृथ्वी है उसके घूमने के कारण हमको पता चलता है कि दिन हुआ और रात हुआ समझे यस yes. तो जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे हमने क्या क्या देखा बच्चों डे दे टाइम नाइट टाइम आपको याद रखना है होल डे क्या होता है वो याद रखना है और जो सन है वो ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट में सन नहीं हमारा जो पृथ्वी वो पृथ्वी है वो कैसे रोटेट करता है तो वेस्ट टू ईस्ट ठीक है और इसमें आपको क्या याद रखना है सारी चीजें बता देती हूँ और जो आ, सन है क्यों वो घूमता हुआ दिखाई देता है हमको क्यों लगता है कि वो ईस्ट से उगे और वेस्ट में जाकर के डूब गए तो हमारे मूवमेंट के कारण हमारा जो अर्थ है वो मूवमेंट करता रहता है इसके लिए हमें ऐसा लगता है कि सूरज जी उगे और जाकर के डूब गए लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है ठीक है यस तो यहां पे जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन यहां पे कंप्लीट होता है आई होप कि आप लोग को समझा रहेगा चलिए बच्चों अभी आगे चलते हैं आगे हम और कुछ देखने वाले हैं ठीक है उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे और देखिएगा एक एक्टिविटी दी गई है जिसे आपको ट्राई करना है परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन द खो खो ग्राउंड ऑन अ ब्राइट सनी डे कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट यानी जब भी सनी uh, डे रहेगा सनी डे मतलब क्या होता है जब भी आसमान में सूरज जी रहेंगे तब ठीक है तब आपको ये ट्राई करना है कहाँ पर तो जो आपका प्ले ग्राउंड होता है ना जहाँ पे आप लोग खो खो कबड्डी खेला करते हो वहां पे क्या करना है सुनो चूज वन पोल ऑन द ग्राउंड दैट स्टेज अंडर द सन फॉर द होल डे फॉर दिस एक्टिविटी यानी कि आपको कोई एक ऐसा पोल चूज़ करना है मतलब खंबा, जो ना पूरा दिन सन के सामने रहता हो मतलब पूरे दिन सन की जो रेज है ना वो उसके ऊपर पड़ती हो ऐसा खंबा आपको चूज करना है वैसे ग्राउंड में तो होता ही है ठीक है तो आप कोई भी एक ले लो और फिर क्या करोगे उसे आपको ऑब्जर्व करना है उसका जो डायरेक्शन है ना उसका जो शेडो का डायरेक्शन है उसे आपको बच्चों ऑब्जॉर्व करना है देखो यहाँ पे वही दिया ना कि ऑब्जॉर्व द डायरेक्शन इन विच द शेडो ऑफ दिस पोल फॉल्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑन द डे तो देखो बच्चों अगर आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे देखो जो सन की रेज है ना जब भी वो खंबे के ऊपर पड़ेंगे सुबह के टाइम पे तो जो उसका शेडो रहेगा ना वो लंबा रहेगा आप देखो तो सही यहाँ पे देखो कितना अच्छे से लिख करके बताया गया ध्यान से देखिए इधर ये देखो यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे जब भी सूरज जी उग रहे हैं ओके तो उस टाइम पे जो आपका खम्भे का जो शेडो है जो परछाई है वो देखिए लंबा है मॉर्निंग एट ए एम यानी कि आठ बजे सुबह के आठ बजे देखो लंबा है ठीक है थोड़ा और आगे बढ़ने दो जब सन यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो मॉर्निंग के जब भी दस बजे तो जो आपका खम्बे का जो शेडो है वो थोड़ा छोटा हुआ देखो यहाँ पे थोड़ा छोटा हुआ फिर जब एकदम सिर पे पहुंच गए एकदम बीच में देखो खम्बे के जब बीच में पहुंच गए सूरज जी तब क्या होता है जो शेडो है ना वो एकदम छोटा हो जाता है देखो बहुत छोटा हो गया है है ना ये कब की बात है तो 12 बजे की बात है ठीक है फिर उसके आगे जाइएगा तो आफ्टरनून में यानी दोपहर के टाइम पे दो बजे क्या होता है बच्चों जो आ, वो शेडो है वो अगेन लंबा हो जाता है थोड़ा लंबा हुआ और फिर जब भी शाम होती है जब भी इस प्रकार से मतलब जो सन है जब भी वो डूबने लगता है शाम के टाइम पे इवनिंग में चार बजे तो फिर अगेन क्या होता है वो जो परछाई है जो शेडो है वो अगेन लंबा हो जाता है यानी हमने क्या देखा कि दोपहर के टाइम पे जब सन एकदम सामने रहेगा ना तो शेडो कम हो जाती है शेडो की जो लंबाई है वो कम होती है और जब ही सन दूरी पे रहेंगे तो फिर जो शेडो की लंबाई है वो क्या होती है लंबी होती है समझे तो यही हमको देखना था यहाँ पे वही दिया है कि मेज़र द शेडोज एंड रिकॉर्ड इन योर नोटबुक मतलब वो जो शेडोज हैं उन्हें आप मेज़र करो मापो और उसके बाद अपने नोटबुक में रिकॉर्ड करो फिर नोट द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ द शेडो एंड द सन इन योर नोटबुक फिर जो उनका रिलेटिव डायरेक्शन है ना कि सन कहाँ पर गया तो जो आपका आ, मतलब जो शेडो है वो गिधर बनाएगी आपको पूरा अच्छे से नोट डाउन करना है इन योर नोटबुक उसके बाद वेयर इज द सन लोकेटेड इन द स्काई वेन द शेडो इज द शॉर्टेस्ट मुझे बताइएगा जब ही शेडो एकदम छोटा हुआ तो फिर सन कहाँ पर था तो सन एकदम ऊपर था किसके ऊपर था वो खंबे के ऊपर था सिर पे था उसके ठीक है और एट वट टाइम्स आर द शेडोज लॉन्गेस्ट ड्यूरिंग द डे और शेडो सबसे लंबा कभी था बच्चों लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा कभी था तो एक तो सुबह के टाइम पे दूसरा शाम के टाइम पे क्लियर है आपको येस अब चलिए इसका जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं सब लोग तैयार है ना बहुत छोटा सा ही है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है इसको समझ लीजिए उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे उसके आगे चलो देखते हैं इसमें देखो क्या दिया है कि यू वुड हैव रियलाइज बाई ऑब्जर्वेशन दैट शेडोज इन द अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग वर द लॉन्गेस्ट वाइल द नून वर द शॉर्टेस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द अपेरेंट लोकेशन ऑफ द सन इन द स्काई द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द शेडो ऑफ द पोल केप्ट चेंजिंग सी फिगर वन पॉइंट वन दिस इज बिकॉज बिकॉज अस्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिस दन ड्यूरिंग रोटेशन एंड मूव फॉरवर्ड सी फिगर वन पॉइंट टू इंसिडेंटली वी ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट इट इज कूलर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड द वॉर्मर इन द आफ्टरनून अब देखो बच्चों मैं आपको ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ केयरफुल uh, देखो बच्चों क्या होता है जैसे कि हमने क्या देखा यहाँ पे जब भी हम इसको ये खंबे को देख रहे थे ठीक है एक मिनट बहुत ज्यादा हमें आगे आगे रुकी रुकी, रुकी कहा गया ये खंबा हाँ जब हम ये खम्भे को देख रहे थे तो सुबह के टाइम पे क्या हुआ था जो शेडो था वो लॉन्गेस्ट था ऐसा क्यों क्योंकि सन जो है ना सन ठीक है वो खंबे से दूरी पे था समझ में आ रहा है कि नहीं देखो यहाँ पे यहाँ पे ये दूरी पे है दिख रहे हैं आपको और जब ये एकदम इसके करीब में आ गया एकदम सामने आ गया ठीक है तो उस टाइम पे क्या हुआ इसका जो परछाई है वो एकदम से छोटा हो गया ठीक है और फिर जब सन अगेन ये दूरी पे चला गया इवनिंग के टाइम पे तो फिर इसका जो शेडो है वो लंबा हो गया ठीक है तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है इसको समझिएगा कि आपने रियलाइज किया होगा अपने ऑब्जर्वेशन से कि अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग यानी कि अर्ली सुबह में और इवनिंग में क्या होता है लॉन्गेस्ट शेडो बन रहा है ठीक है और फिर आगे क्या दिया है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द अपेरेंट लोकेशन ऑफ द सन इन द स्काई ऐसा क्यों होता है बच्चों क्योंकि देखो वो जो शेडो है वो बड़ा छोटा क्यों हो रहा है वो सन के आ, मतलब सन के मूवमेंट की वजह से एक्चुअल में वो सन मूवमेंट नहीं कर रहा है बल्कि हमारी पृथ्वी घूम रही है ठीक है हमारा अर्थ घूमने की वजह से आ, जो सन है सन कभी जैसे हम लोग यहाँ पे हैं ठीक है सन इसके सामने है आप सपोज करो कि इधर कहीं पर हो ठीक है तो अब आप ऐसे ऐसे घूम रहे हो जैसे अब भी यहाँ पे हो आप ठीक है तो अभी सन आपके सामने रहेंगे ओके तो धीरे धीरे आप क्या हो गए सन से दूर जाते जाओगे जब आप दूर दूर जाते जाओगे तो आपको लगेगा कि सन क्या हो गए डूब गए वो हमसे दूर जाते जा रहे हैं ठीक है इसी प्रकार से अगली सुबह होगी तो फिर से सन के धीरे धीरे आप नजदीक जाओगे एकदम नजदीक मतलब एकदम सामने फिर उसके बाद धीरे धीरे दूर जाते जाओगे ठीक है तो जब एकदम पास में होते ना तो जो अः मतलब सन होती है वो एकदम सामने से पड़ती है तब जाके जो परछाई थी वो एकदम छोटी बनती है ठीक है यहाँ पे आप देखो ना आ, यहाँ पे ये जो पिक्चर दिखाया गया है ये देखो दिखाई दे रहा आपको जब सन एकदम सामने होगा तो देखो नून यहाँ पे नून यानी क्या होता है वही दोपहर का समय ठीक है और यहाँ पे देखो सन अभी यहाँ पे है ना तो इधर क्या होगा ये वाले एरिया में नून होगा और यहाँ पे क्या होगा सनसेट यहाँ पे क्या होगा सनराइज यानी अब धीरे धीरे ये वाला जो एरिया है ना वो सन के सामने जा रहा है मतलब यहाँ पे अभी सन सनराइज हो रहा है यानी यहाँ पे जो लोग रहेंगे उनको ऐसा लगेगा कि सूरज जी उग रहे हैं ठीक है और यहाँ पे ये जो लोग हैं नून वाले एरिया में देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है दोपहर क्योंकि सूरज एकदम सामने आ गए ना और यहाँ पे जो लोग हैं उनको क्या एक्सपीरियंस हो रहा होगा कि सूरज जी क्या हो रहे हैं डूब रहे हैं क्योंकि अब वो दूर जा रहे हैं ना ठीक है इस प्रकार से ये रोटेशन हो रहा है और फिर ये रोटेशन की वजह से ही क्या होता है ये जो हमारा शेडो है वो बड़ा छोटा होता रहता है आपने भी ये नोटिस किया होगा कभी है ना आप लोग देखिएगा बाहर निकल करके जब भी सूरज जी उगे रहते तब आपका भी जो परछाई है ना वो बड़ा छोटा होते रहता है समझे कि नहीं बच्चों यस और देखो यही कारण है सुनो हमको शाम के टाइम पे उतनी गर्मी नहीं होती और सुबह के टाइम पे भी इतनी गर्मी नहीं होती जितनी दोपहर के टाइम पे होती है अब बताओ दोपहर के टाइम पे ही गर्मी क्यों होती है क्योंकि दोपहर के टाइम पे हम एकदम सन के सामने होते अब सन के सामने रहेंगे तो गर्मी तो होगी ना और मॉर्निंग के टाइम पे देखो सन यहाँ पे दूरी पे है ना यहाँ पे जो लोग रहेंगे उनसे सन देखो दूरी पे है बराबर एज कम्पेयर टू यहाँ वाले लोग देखो ये पास में है ये दूरी पे और ये लोग भी दूरी पे हैं मतलब यहाँ पे थोड़ा कूलर एरिया होता है थोड़ा ठंडा होता है और यहाँ पे भी ठंडा मतलब ज्यादा गर्मी नहीं होती है लेकिन यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही होगी क्यों क्योंकि सन एकदम सामने है इसके लिए समझे तो ये था बच्चों इसका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आई होप कि आप लोग को समझ में आया ही होगा ठीक है तो समझे ना शेडो क्यों बड़ा छोटा होता है यस वेरी गुड बहुत अच्छी बात है तो यहाँ पे बच्चों हमने आ, क्या क्या रीड किया तो हमने यहाँ पे देखो ये पहला पेज अच्छे से पढ़ लिया है उसके बाद हमने ये दूसरे पेज पे ये जो जोग्राफिकल जो जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था इसको भी हमने समझने की कोशिश की और फिर मैंने आपको ये जो यहाँ पे डायग्राम दिया गया था इसको भी एक्सप्लेन किया अब इसके आगे देखो बच्चों हमें क्या क्या पढ़ना है तो लोकल टाइम के बारे में पढ़ना है उसके बाद से हमको स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पढ़ना है तो ये जो आगे वाला हिस्सा है ना देखो स्टैंडर्ड टाइम के बारे में हमको पढ़ना है ओके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे बच्चों तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि जब आप कमेंट करते हो ना देखो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो बस आप लोग यस लिख दीजिए बस ओनली यस ठीक है और मुझे कुछ नहीं चाहिए बस आप लोग यस लिख दो फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझा है ठीक है तो इसीलिए कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको इसी तरीके के और भी वीडियोस चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए ठीक है बच्चों तो आज के लिए बस इतना ही यहाँ पे मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है प्लीज़ आप उसको अच्छे से रिवाइज़ करो और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो आगे वाला पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे ठीक है एक साथ पूरा आपको नहीं पढ़ाने वाली वरना फिर आप कैसे हो जाओगे आप ना मतलब क्योंकि एक साथ आप इतना सारा कैसे पढ़ सकते हो आप भी छोटे बच्चे हो ना इसके लिए तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है तो चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही अब भी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते